कितने लोग हैं मकान में? मकान कितने लोग हैं? मकान में आपके कितने लोग हैं? क्यों भाई कितने लोग हैं मकान में? कितने लोग हैं? कितने परिवार के? ये देखिए यहाँ वाराणसी में करंट क्षेत्र का एक कुख्यात गैंग क्षेत्र का दूसरा और धंधा पंडित, इसका संबंध यहाँ के बड़े गैंग से बताया जाता है, गैंग से भी इसका संबंध बताया जाता है। इसके द्वारा एक बहुत ही सनसनीखेज हत्या की घटना को यहाँ पे अंजाम दिया गया था, जिसके बाद ये जेल गया था। पंजाब के रोपड़ में ये अफसरों के साथ पकड़ा गया था, वहाँ से जेल में हुआ था। इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और आगे हमारी टीम ने प्रोसीड करते हुए गैंगस्टर एक्ट में 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए इसकी जो संपत्तियां जिसको अपराध से इसने अर्जित किया है उसको कुर्की का प्रोसेस प्रारंभ किया। उसी प्रोसेस में माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसके संपत्तियों को अपनी अभिरक्षा में लेने हैं, जैसा जो कैंट को आदेशित किया गया है, आदेशित किया गया है, उसी आदेश के अनुपालन में आज यहाँ पर इसके मकान को सील किया जा रहा है। यहाँ पर हाथीपुरा गाँव में इसका एक मकान है, इसकी कुछ अन्य संपत्तियों को भी कुर्क करने का आदेश हुआ है, गाड़ियां हैं, एक और लम्ही में इसकी एक जमीन है जिसको कुर्क किया जा रहा है। यहां पे विधिक प्रक्रिया में मजिस्ट्रेट और सबकी उपस्थिति में विधिवत इसकी मुनादी की गई है और आदेश इनको बताया गया है और उसी आदेश का अनुपालन यहां पे कराते हुए इसकी जो अपराध से अर्जित की गई संपत्तियाँ हैं उसके कुर्की की कार्रवाई कराई जा रही है। सर मकान में कुछ महिलाएँ भी रह रही हैं बच्चे के साथ, उसको किस तरह से नोटिस मिली थी या एकाएक नहीं, उनको पूर्व में अवगत कराया गया था और आज पुनः आकर के आपने देखा यहाँ पे मुनादी कराई गई है और आसपास के सभी लोगों को अवगत कराया गया है, जो आदेश है आदेश की प्रति दी गई है, आदेश से पढ़ करके सुनाया गया है और उसी क्रम में विभिन्न प्रक्रिया से पूरी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।